very good morning to all of you. How are you? Hope you all are fine. I'm also fine. Okay kids, हमने भी last class में transport के बारे में बात की थी. तो आपको मालूम है ना कि how many types of transport? Three types of transport. हम कहाँ पर रहते हैं? Earth में. और अगर हमको moon पे जाना होता है तो हम use करते हैं rocket. लेकिन मून पे तो लाइफ नहीं है, लेकिन अर्थ पे तो लाइफ भी है. धीरे धीरे वहां पर वाटर भी कम होता जा रहा है, प्लांट्स भी कम होता जा रहा है. तो यू शुड थिंक अबाउट इट, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए. तो यू शुड प्लांट वन ट्री. आप एक छोटा सा प्लांट लगाओगे तो वो धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद क्या होगा, बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा. ट्री से हमें क्या मिलेगी? अच्छी अच्छी एयर मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे हम बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे. आपको मालूम है ना कि हमें अच्छी एयर में ही ब्रीथ करना चाहिए. तो और तभी तो कहते हैं ना कि जिन व्हीकल से पॉल्यूशन आ रहा है उनका पॉल्यूशन चेक 3 months के बाद होना चाहिए. तो यू शुड ग्रो मोर ट्री टू सेव आवर मदर अर्थ. जैसे हमें हमारी मम्मी से हम प्यार करते हैं ना, वैसे ही हमें अपनी मदर अर्थ को भी लव करना चाहिए. और हमेशा उसको सेव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, और जो प्लांट्स आपके घर में हैं उनको हमें वाटर भी देना चाहिए. एंड और अगर आपके पापा के व्हीकल से धुआं निकलता है तो पापा को बोलना चाहिए यू शुड चेक योर व्हीकल. ओके किड्स, तो टुडे वी विल स्टार्ट आवर इंग्लिश क्लास. आज हम अपनी कौन सी क्लास स्टार्ट करेंगे? इंग्लिश की स्टार्ट. एंड What is the topic? Sound of U. We already done so many words with U sound. Today we will learn one new ending words. So first we will revise the previous words. This is A na an. Ending sound A na an. Ba na ban. Na na nan. Ga sa na sun. Fa na fun. Ra na run, ga na gun. These are the words with the sound of a na an. A ga ag, ha ga hug, ma ga mug, ba ga bug, ja ga jug, ra ga rug, ta ga tug. और हमने अपनी लास्ट क्लास में कौन से वर्ड्स लर्न किए थे? अ मा अम, मा मा मम, या मा यम, सा मा सम, गा मा गम. ये 3 साउंड्स हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. टुडे वी विल लर्न सम वर्ड्स विद अ प अप. आज हम कौन सी साउंड करेंगे? अ प अप. ओके, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप? हियर इज अ बॉय स्टैंड गोइंग अपवर्ड्स बाय स्टेयर्स. ये स्टेयर्स से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है. जब हम एक ऊपर जाते हैं दैट मीन्स अप, जब हम नीचे आते हैं दैट मीन्स डाउन. जब आप ऊपर जाते हो ना, देखो वन बाय वन ये स्टेप लेके कहाँ जा रहा है? अप. तो इससे क्या बोलते हैं? अप अप. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ कप. यू शुड ड्रिंक मिल्क इन अ कप. पापा मम्मा भी इसमें टी कॉफी पीते हैं ना. सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू राइट कप. अ कप एंडिंग साउंड इज अप अप. आई विल एड कप. का से सी, तो न्यू वर्ड बन गया ना क आपा कप. एंड दिस इज अ डॉग. नो, इट्स अ बेबी ऑफ डॉग. डॉग के बेबी को हम क्या कहते हैं? पप्पी. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? अ प अप. नाउ आई विल एड पी. पी से प, तो क्या वर्ड बन गया? प आपा पप. आपके कई बच्चों के घर में छोटे छोटे पपीज भी होते हैं ना, तो दिस इज अ बेबी ऑफ डॉग. तो आज हमने कौन से वर्ड्स किए? क प कप, अ प अप, प प पप. नाउ इट्स टाइम टू राइट इन द नोटबुक. फर्स्ट वी विल राइट द हेडिंग एंडिंग साउंड ऑफ अ प अप. देखो मैम जब लिखती है ना पूरी लाइंस को टच करती हैं. आप लोग क्या करते हो? यू लिखते हो, बस काम खत्म. ना ब्लू लाइन टच हुई ना रेड लाइन टच हुई, दैट इज रॉन्ग. यू शुड टच द लाइंस लाइक दिस.
हर वीडियो में मैम आपको बताती है ना कि लाइंस को टच करना है, साउंड्स को बोलना है, तो यू शुड फॉलो द गाइडलाइंस. ओके, नाउ वी विल राइट क अ प कप. नेक्स्ट प अ प पप. एंड लास्ट वर्ड इज अ पा. अप मीन्स गोइंग अपवर्ड. हम ऊपर जाने को अप बोलते हैं और नीचे लाने को डाउन. ये तो मैम ने ऊपर जो अप लिखा है ना वो एंडिंग साउंड है, वो टॉपिक है. और नीचे मैम ने जो हमने वर्ड सीखा है क है पक्का प प प एंड अप अप. अब तक हमने कितनी लाइंस की हैं? 4 लाइन. आना अन, आना अन, आगा अग, आमा अम और अपा अप. सो यू शुड राइट 4 लाइंस इन योर इंग्लिश नोटबुक. फर्स्ट लाइन आएगी आपकी आना अन की, सेकेंड लाइन आएगी अगा अग की, थर्ड लाइन में आप क्या करोगे, पहले लिखोगे आमा अम के वर्ड्स, आमा अम के ये 4 वर्ड्स लिखोगे, फिर आप उसके नीचे ही अप के भी वर्ड्स लिख लोगे. तो आपके कितने पेज में ये वर्क हो जाएगा? 1 पेज में. ओके, आफ्टर दैट यू विल टेक अ पिक एंड सेंड इट टू योर क्लास टीचर. बाय.